सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग पुलिस वालों की वर्दी देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका पद क्या होगा, क्योंकि भारतीय पुलिस में अलग अलग रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ वर्दी देखकर नहीं पहचान पाते कि ये पुलिस अधिकारी किस पद पर है। इसलिए हम आप लोगों के लिए ये जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ पुलिस की वर्दी पर लगे हुए बैजेस को देखकर उस पुलिस अधिकारी का पद जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा पद होता है पुलिस कांस्टेबल का। पुलिस कांस्टेबल की वर्दी के फीते पर कुछ नहीं लगा होता, वो सिर्फ साधारण खाकी रंग की वर्दी पहनते हैं। उनसे ऊपर का पद होता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल का। सीनियर पुलिस कांस्टेबल के फीते पर दो लाल रंग की पट्टी बनी होती है। और उनसे ऊपर का पद होता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल की वर्दी पर यानी कि वर्दी की स्लीव पर लाल रंग की तीन पट्टियां बनी होती हैं। हेड कांस्टेबल से ऊपर का पद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का यानी एएसआई का। एएसआई की वर्दी की स्लीव पर एक स्टार लगा होता है और साथ में आधा इंच की पट्टी बनी होती है जो आधी लाल और आधे नीले रंग की होती है। एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का पद होता है। एसआई की वर्दी पर दो स्टार लगे होते हैं और साथ में एएसआई की वर्दी की तरह लाल और नीले रंग की पट्टी भी बनी होती है। इन दोनों से ऊपर का पद होता है इंस्पेक्टर का, जिसकी वर्दी पर तीन स्टार लगे होते हैं और साथ में वही आधे इंच की लाल और नीले रंग की पट्टी लगी होती है। ये किसी भी थाने का सबसे ऊंचा पद होता है। इंस्पेक्टर से ऊंचा पद होता है डीएसपी का। डीएसपी की वर्दी पर सिर्फ तीन स्टार लगे होते हैं और उनके नीचे लाल और नीले रंग की पट्टी नहीं होती। फिर डीएसपी के बाद आता है एएसपी यानी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी की वर्दी के कंधे पर सिर्फ एक अशोक स्तंभ का बैज बना होता है। एएसपी से बड़ा पद होता है एसपी का। एसपी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार का बैज बना होता है। एसपी से भी ऊंचा पद होता है एसएसपी का। एसएसपी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और दो स्टार लगे होते हैं। अब आते हैं आईपीएस अधिकारी। अब आईपीएस अधिकारियों की वर्दी को देखकर कैसे पहचाने कि वो किस पद पर हैं? सबसे पहला पद होता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनकी वर्दी पर एक स्टार लगा होता है और नीचे लिखा होता है आईपीएस। जो लोग एक साल से इस पद पर होते हैं ये वर्दी उनके लिए होती है। फिर आते हैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनकी वर्दी पर दो स्टार लगे होते हैं और आईपीएस लिखा होता है, ये उनके लिए होता है जो दो साल से इस ट्रेनिंग पर होते हैं। इसके बाद आते हैं डीएसपी, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आते हैं एसपी और एसएसपी, जिनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर एसएसपी के बाद आते हैं डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और तीन स्टार लगे होते हैं और साथ में आईपीएस लिखा होता है। फिर डीआईजी से बड़ा पद होता है डीजी, जो पूरे राज्य का पुलिस कमिश्नर होता है। डीजी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है और साथ में एक तलवार और एक बैटन यानी डंडा आपस में क्रॉसिंग में लगे होते हैं, साथ में आईपीएस भी लिखा होता है। फिर सबसे बड़ा पद होता है, डीजी से भी बड़ा पद होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, जिसकी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ, एक तलवार और बैटन क्रॉसिंग में और एक स्टार लगा होता है, साथ में ही नीचे लिखा होता है आईपीएस। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप पुलिस वालों की वर्दी देखकर ही उनको पहचान जाएंगे कि वो पुलिस अधिकारी किस पद पर हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।